तो पबजी की न्यू अपडेट आ गई है, लेकिन हम लोगों के लिए एक दुखद बात यह है कि हम लोग इसे प्ले स्टोर से अपडेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक खुशी की बात भी है कि अभी न्यूज़ चल रही है कि पबजी अनबैन हो सकता है। तो चलिए, हम तो यही चाहेंगे कि पबजी जल्दी से अनबैन हो जाए तो हम लोग इसे खेल पाएँ। लेकिन देखिए, मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं अपडेट कर रहा हूँ, सिखाने से मतलब ये नहीं है कि मैं इस पबजी को प्रमोट करता हूँ गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। तो आप वीडियो को देखिए, एक मतलब नॉलेज पर्पज़ से आप देख सकते हैं इसको। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना तो है नहीं, बस क्रोम पे जाना है और मैंने जो ऐप्स बताए हैं उसे डाउनलोड करने हैं और उसमें आपको पबजी अपडेट लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको वहाँ से अपडेट करना है। तो ये जो पबजी इंट्रो बनाया गया है पबजी की तरफ से, जब गेम आप ऑन करेंगे तो आपको ये इंट्रो देखने को मिलेगा। और ये जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये ओल्ड इरंगल के कुछ यादें हैं जो पबजी ने यहाँ पे शेयर किए हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग इरंगल को बाय बाय करते हैं और न्यू इरंगल को वेलकम करते हैं। आपको ये अपडेट तो प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं, तो आपको क्रोम पे जाना है और वहाँ से ऐप्स डाउनलोड करने हैं। तो जिस ऐप से आप इसे डाउनलोड करिएगा उस ऐप का नाम है टैप 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 टैप, नॉट टपाटप, ओके। इसे आप इसके टैप टैप साइट से डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन करें और ये पहली गलती है जो लगभग बंदे करेंगे। पबजी मोबाइल के सीन दिखा, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा, आप उसे अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, वो पबजी मोबाइल कोरिया वर्ज़न है, ठीक है? तो ध्यान से देखना है क्योंकि हम लोग US वर्ज़न चलाते हैं, ना कि कोरिया वर्ज़न। तो US वर्ज़न सर्च करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है पबजी और वहाँ पे ऑप्शन में आपको पबजी मोबाइल के बगल में ही नाम दिखा देगा, न्यू इरा US। तो आपको इसको देखना है और इसे डाउनलोड करना है क्योंकि ये एकदम प्रूफली सही है, KR और US। और हम लोग का जो वर्ज़न है, जो ग्लोबल वर्ज़न कहलाता है, उसे US वर्ज़न कहते हैं। तो आप इसे सिंपली डाउनलोड करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे यहाँ पर ऐप अपडेट होना शुरू हो गया है, तो आपको बस वेट करना होगा जब ये 1.8 GB डाउनलोड कर लेगा। सिंपली डाउनलोड होने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, बस आपको इसे परमिशन देना है कि अननोन ऐप से ये इंस्टॉल कर सके किसी और ऐप को। परमिशन देने के बाद ये अपने आप इंस्टॉल होने लगा और इंस्टॉल होने के बाद आप अपने गेम को ओपन कर सकते हैं। एक और ऐप है जो कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ही अभी फेमस हो रहा है, जिसका नाम एप्टॉइड है। तो आप बस उससे बच के रहें क्योंकि वो ऐप सही है, मतलब वो क्रोम पे डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। वो ऐप सही है लेकिन वो जो अपडेट दे रहा है वो पुराना अपडेट दे रहा है, नया अपडेट नहीं दे रहा है, 1.0 का अपडेट नहीं दे रहा है, वो लिविक का अपडेट दे रहा है जो कि आपके मोबाइल में पहले से इंस्टॉल्ड है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन ही पढ़ सकते हैं, यहाँ पे पहले से किसी बंदे ने यहाँ कमेंट करके रखा है कि ये पुराना अपडेट है। तो अपडेट होने के बाद आप अपना सिंपली गेम ओपन करें, वहाँ पर एक छोटा सा और जो अपडेट होता है अंदर में इनबिल्ट अपडेट 7.8 MB का होगा, वो अपडेट होगा और वो रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। आप अपना सिंपली रिस्टार्ट करें और रिस्टार्ट होने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिल सकता है। तो लो गाइज, आपका इरंगल न्यू इरा 1.0 अपडेट हो चुका है और यहाँ का तो UI भाई पूरा चेंज है और इंट्रो थीम तो भाई साहब बंदा कैसे झुका हुआ था मत पूछो। तो यहाँ पे इसमें आपको अपडेट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं नया सिस्टम है, जैसे स्टीम का गेम होता है, ऑनलाइन डेस्कटॉप गेम होता है, आप अपना UI चेंज कर सकते हैं, आप अपना शोकेस लगा सकते हैं गन का या गाड़ी का, किसी भी चीज़ का, दूसरे बंदे को दिखाने के लिए कि वो आपकी ID खोले तो आपके प्रोफाइल पे उसको आपकी गन्स की स्किन फेवरेट या भी आपके फेवरेट गाड़ी की स्किन दिख जाए। तो मैं यहाँ पर आपको और टाइम नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट गेम प्ले में जाता हूँ, मैं वहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस हुए हैं और क्या सच में ग्राफिक्स इन्हेंस हुआ है। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट गेम के अंदर। देखते हैं कैसे आपका यहाँ पर पूरा लॉबी चेंज हो चुका है, जो आपका स्पॉन आइलैंड होता है, यहाँ पर प्लेन जो बीच में हुआ करता था वो अब साइड में है और यहाँ पर कुछ कांटेदार झाड़ियाँ लगा दी गई हैं और यहाँ पे नहीं पता ऊपर में क्या दिखा रहा है, मेमोरी फ्रैगमेंट। अरे ये तो जैसा इवेंट में था वैसा ही है, शायद आप इसको मैप पर रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि रिवार्ड ले सकते हैं, जैसे लिविक मैप आया था तो उसमें आपको रिवार्ड मिलता था उसी टाइप में। तो ये देख लीजिए गाइस, बहुत ही शानदार पूरे बिल्डिंग्स का नज़ारा चेंज हो चुका है। तो जैसा न्यू इरा में दिखाया गया था एकदम सेम टू सेम वैसा ही है,
यहाँ पे कोई मतलब अलग चेंज नहीं है कि हाँ पबजी नहीं ऐसा झूठ का, पबजी सिर्फ मतलब झूठ बोलता है अपडेट के नाम पे, सिर्फ कपड़े और ये देता है, नहीं इस बार इसने पूरा अपना काम सच्चाई से किया भाई। तो चलिए ग्राफिक्स को थोड़ा हाई करके देखते हैं। मैं USD तक नहीं जा सकता, मेरा HD हाई तक ही हो सकता है क्योंकि मेरा मोबाइल उतना महंगा नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना महंगा का बात कर रहा हूँ मैं। मेरा 10,000 तक का ही मोबाइल है, रेडमी नोट 7 प्रो। डिवाइस अच्छा है मेरा, गेम इसमें चलता है, मैं खुश हूँ इससे। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स चेंज करने पे, ओ भाई साहब शानदार लग रहा है बहुत। पहले HD पे इतना मतलब हाई लेवल नहीं दिखता था, पहले इतना भी हाई नहीं दिखता था। तो इंटीरियर भी पूरा घर का चेंज हो चुका है। चलिए वाटर की तरफ देखते हैं, जो हमारा सबसे फेमस स्पॉट है, जो बोला गया पबजी में कि वाटर में कुछ ज़्यादा ही रिफ्लेक्शंस हो गई है। तो अब देख सकते हैं पानी तो भाई साहब कहते हैं अब लग रहा है कि हाँ समुंदर है, पबजी में समुंदर भी आ गया। तो चलिए घूमने के लिए चलते हैं कुछ जगह थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी, जो भी ज़्यादा फेमस जगह है उसको एक्सप्लोर करते हैं मिलिट्री बेस को छोड़ के, क्योंकि वो जोन में नहीं था और मैंने कुछ ज़्यादा ही जल्दी वीडियो बनाई, समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा जल्दी बना दी। तो ये रहा आपका जॉर्जो पुल, यहाँ पे बंदा है, निकल ले आप छोड़ दें, यहाँ से तो बच के निकल लिए। अब चलते हैं हम अपना फेवरेट जगह, फेवरेट नहीं, पहले रूम्स से निकल रहा था मैं, तो यहाँ पे चर्च आपको दिखाई, यहाँ पे स्कूल, अबे क्या डब्बा स्कूल बनाया है अबे। सुंदर तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या डब्बा स्कूल बना दिया भाई साहब, क्या बोलो मैं, एकदम छोटा लग रहा है स्कूल देखने में। पहले थोड़ा ऊंचा लगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा कर दिया स्कूल को। यहाँ से निकलते हुए हम रोजा की पहाड़ी भी देखते हैं, ये क्या जाली सिप लगाया। यहाँ पे आपका फेमस और दूसरा जगह प्रिजन, जो कि अब असली में लग रहा है कि यहाँ जेल है, यहाँ से कैदी लोग भाग गए हैं बमबारी करके, जिसके कारण यहाँ पर इतना बार ज़्यादा तोड़ फोड़ हो चुका है। तो अब चलते हैं उस जगह पे जिसके कारण ये हुआ है, मतलब जिस कारण से ये पूरा इरेंगल मैप जो है बर्बाद हो चुका है। आ चुके हैं मिल्टा पावर, जहाँ से कोई ख़तरनाक गैस निकली और यहाँ से पूरे इरेंगल के आदमी मर गए, यहाँ पे बमबारी होने लगी। मतलब गेम के हिसाब से ऐसे ही मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा असली में नहीं हुआ होगा। ये शायद रशिया के किसी मैप पे बिलोंग करता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब मिल्टा पावर ही चेंज हो चुका है, ये नहीं बोलेंगे कि एक दो बिल्डिंग चेंज हुए हैं सर, ये पूरा मिल्टा पावर ही चेंज हो चुका है। ओ भाई साहब शानदार। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो ये वीडियो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो जरूर कर दें। और मैं मतलब कि शाम मुझे पता चला कि अपडेट आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया था इस, तो मैंने जल्दीबाजी में हो सका जैसे जैसे वीडियो बनाया और जैसे तैसे बोल दिया। तो अगर कुछ गलती हुई तो मेरी तरफ से सॉरी भाई, सॉरी प्लीज़। तो टाटा।